हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजमा से बने शाही मखमली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह कबाब ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मखमली सॉफ्ट होते हैं। यह बहुत टेस्टी, प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी और चटपटे कबाब हैं। आप चाहे तो इन्हें पार्टी स्टार्टर के रूप में या शाम के स्नैक्स के तौर पर खा सकते। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए राजमा, पनीर, काजू, ब्रेड क्रम्ब और दो छोटे आलू। इसके अलावा मसाला, कुटी हुई खड़ी, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और चाट मसाला, कटी हुई प्याज और अदरक लहसुन। सबसे पहले हम इसमें राजमा को पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। और अब एक पैन में एक चम्मच घी लेते हैं और अदरक लहसुन हरी मिर्च भूनेंगे। उसके बाद हम प्याज डालेंगे और इसको गुलाबी होने तक भूनना है हमको। कबाब में प्याज का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे गुलाबी होने तक। जब हम प्याज भून जाए हमारी, लगभग 2-3 मिनट तक हम भूनेंगे इसको। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। खड़ा धनिया मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा कूटा है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट कबाब में आता है, एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर डालें और इसको हल्के अच्छे से भून लें। जब हमारी धनिया भी अच्छे से भून जाए, तब हम इसमें बाकी के और मसाले ऐड करेंगे। अब काजू बारीक काट लिए हैं मैंने, लगभग 2 टेबल स्पून काजू थे जो बारीक काट लिए हैं। ये कबाब में एक शाही टेस्ट देते हैं और ऊपर से क्रंची भी टेस्ट देते हैं। काजुओं को भी अच्छी तरह रोस्ट कर लें, लगभग 1 मिनट। अब हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। मसाला ये भून जाए, कच्चापन ना रहे इनमें, इनको थोड़ा सा भून लेंगे। जब हल्दी और लाल मिर्च हमारी भून जाए, तो हम इसे पिसा हुआ राजमा डालेंगे। राजमा को अच्छे से पीस लें, ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं, हल्का दरदरा पीसे। इसको भी राजमा को भून लें अच्छे से। अब इसमें हमने 2 आलू उबले लिए थे, उनको घिस लिया था, और इसको भी कबाब में मिक्स कर देंगे। आलू से भी बहुत अच्छा सॉफ्ट टेस्ट आता है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। मैंने घर का बना हुआ 1/2 बाउल पनीर लिया है, 1/2 बाउल पनीर मैंने ऐड कर दिया इसमें। पनीर में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अब हम इसमें नमक, थोड़ा सा नमक, कुटी हुई काली मिर्ची, गरम मसाला और सबसे एंड में चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह मिला लें। सभी मसाले 1/2 चम्मच लिए हैं मैंने और चाट मसाला 1 चम्मच लिया है। हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें सभी मसाले मिक्स हो जाए, तो हम एक खाली बाउल में निकाल कर इसको ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर को ठंडा करते हुए हमें इसमें थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको थोड़ा ड्राई रखने के लिए ब्रेड क्रम मिक्स करेंगे, ताकि इसके कबाब बन जाएं। ब्रेड क्रम को आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितनी ज़रूरत हो, ज़्यादा नहीं डालें। मैंने 1/2 कटोरी ब्रेड क्रम इस्तेमाल किया है और हमारे 9 कबाब बने हैं। मैंने ओवल शेप के कबाब बनाए हैं इसको। अब इन कबाबों को हम या तो एयर फ्रायर में सेकेंगे या OTG में भी सेक सकते हैं इनको। तो प्री हीटेड मैंने एयर फ्रायर यूज़ किया है। 5 मिनट पहले प्री हीट कर दें इसको 200 डिग्री पर और इसको लगभग 10 मिनट के लिए बेक करें। इन कबाब को हम तवे पर भी सेक सकते हैं,
अगर आप ओटीजी एयर फ्रायर में नहीं सेकना है, इनको सैलो फ्राई करें, डीप फ्राई ना करें। तवे पर हल्का सा घी लगाकर और घी से ही फ्राई करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब तक हमारे ये सीखते हैं तब तक हम डिप तैयार करते हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पर दही लिया है और दही में 1 चीज़ का क्यूब घिस लेते हैं। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। चीज़ क्यूब घिस लें इसमें। इसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच सेजवान सॉस मिलाएंगे। सेजवान सॉस आप घर का बना ले सकते हैं या रेडीमेड भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने घर का बना हुआ लिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर हल्का सा नमक कम लगता है तो मिला लें। यह हमारा चीजी डिप तैयार है। और इधर हमारे राजमा के कबाब भी सीख गए हैं अच्छे से। 10 मिनट बाद हमारे राजमा के कबाब तैयार हैं। अब आप इनको प्लेट में सर्व कीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये आप स्टार्टर के तौर पर भी ले सकते हैं और शाम के स्नैक्स के तौर पर भी आपको पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए। धन्यवाद।